वेलकम। तो आइए हम इकोनोमेट्रिक्स विद आर की जो है वो बेसिक प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस जो है कि जी हाउ टू इंस्टॉल आर, आर स्टूडियो, व्हाट आर द कोड कोड प्रोसीजर्स एंड कैसे हम डेटा को समराइज कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेटा को जो है फिल्टर कर सकते हैं, अपनी चॉइस के वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू वेरिएबल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस तरह की काफी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की। तीन वीडियोस जो के है और जो बहुत यूजफुल हैं इन इस लेक्चर से पहले पहले जिसको आपको सुन लेना चाहिए, वो है फोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, फोर यूजेस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। तो ये वो चीजें हैं जिसको आपको पहले समझ लेना चाहिए। तो ये ग्रोथ डेटा जो है ये स्टॉक एंड वॉटसन इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स जिसमें जो के लिया गया है जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो काम आपको करना होता है वो है वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन। वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन जब तक सही नहीं होगी उस वक्त तक जो भी आप बात कह रहे हैं वो अगले को समझ नहीं आएगी। तो यहां पे ग्रोथ है, आप देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, ट्रेड शेयर, इन सारी चीजों को चेक करें कि हमने कैसे डिफाइन किया है। एट द मोमेंट मैं इसको एम्पिरिकली डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने डेटा को जो है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज होगी चैप्टर फोर में स्टॉक एंड वॉटसन ने कुछ चीजों को कहा होगा कि आपने ये चीजें करें। तो मैं यहां पे वही लाइब्रेरी डीप्लायर एज यूजुअल, लाइब्रेरी मॉडर्न डाइव इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अगर नहीं है तो, लाइब्रेरी ग्रिड एक्स्ट्रा कि जब मैंने ग्राफ्स को साइड बाई साइड डिस्प्ले करना होगा ग्रिड डॉट रेंज की कमांड दूंगा तो उसके लिए ये चाहिए, लाइब्रेरी जीजी प्लॉट टू, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, तो ग्रोथ रिलेशनशिप विद ट्रेड। तो फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन स्कैटर प्लॉट ऑफ एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑन द एवरेज ट्रेड शेयर। तो अभी आपने देखा कि डेफिनेशन की थी हमने ग्रोथ की और ट्रेड शेयर की। Does there appear to be a relationship between the variables? तो यहां पे मैं इस डेटा को पहले भी आपको बताया है how to import data, तो यहां पे आप डेटा को import कर सकते हैं कि import data sets from Excel, आप SPSS, ये सारी बातें हम कर चुके हैं तो आप वो वीडियोज देखिए तो you will get it। मैं इस वक्त जो है वो ग्रोथ डेटा एक्सेल वाला इसको अपलोड कर रहा हूं अगेन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे ये किया जा सकता है। ये मेरे पास इम्पोर्ट हो गया, तो आप इस पे फर्दर डिटेल्स देखनी हो तो मेरी वो वीडियो इम्पोर्ट हाउ टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो ये मेरे पास डेटा आ गया, इसको मैंने अब आप देखिए डीप्लायर का फायदा क्या होगा, अगर आप अदरवाइज ग्रोथ देंगे तो सारा डेटा आएगा, ये जस्ट इसकी फर्स्ट 10 रोज रीड करेगा। तो ये आपके पास कंट्री नेम आ गया, ग्रोथ वेरिएबल आ गया, रियल जीडीपी, ट्रेड शेयर, ईयर, स्कूलिंग, रेवेन्यू, एनियो। आप इसकी ओवरऑल क्विक जो है वो बर्ड आई व्यू लेना चाहते हैं तो ग्लिम्स ग्रोथ 65 कंट्रीज का डेटा, 7 कंट्रीज पे डेटा है, एक वेरिएबल करेक्टर है, बाकी डबल हैं। तो ये भी मैंने बताया कि वेरिएबल करेक्टर डबल और इनका क्या मतलब होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें एक स्कैटर प्लॉट बनानी है बिटवीन व्हाट ट्रेड शेयर ग्रोथ। तो ये बात मैंने पहले कही हुई है, आप इसको देख लीजिए। तो ये आपके पास स्कैटर प्लॉट है, आजकल आपको कोरोना वायरस पे भी बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे जिसकी बैकग्राउंड पीछे ये लाइट ग्रे है, तो ये आर में बनाए जाते हैं ट्रेड शेयर ग्रोथ। तो यहां पर देखिए ये सारा डेटा है, ठीक है, आप इसके ऐसे कोई इक्वेशन रन कर सकते हैं, कोई सोचेगा ऐसे मॉडल रन जा रहा है, सम वन थिंक कि जी इस तरह से चल रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन यहां पे बहुत डिफरेंट पड़ी हुई है, दिस इज कॉल्ड एन आउटलायर, पर्टिकुलरली अगर वो एक्स में वैल्यू लार्ज हो तो दैट इज कॉल्ड अ सीरियस टाइप ऑफ आउटलायर। तो ये बेसिकली आउटलायर है, हमने इस आउटलायर को अभी रखा है, देखते हैं क्या होता है। अब इससे अब आपको वो कह रहा है कि जी वन कंट्री माल्टा हैज अ ट्रेड शेयर मच लार्जर, तो माल्टा आपको पता है बहुत छोटा सा आइलैंड है, इटली से थोड़ा सा नीचे आई गेस मेडिटेरेनियन सी में, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान जो मेडिटेरेनियन सी, इटली से नीचे थोड़ा सा साउथ में, तो चेक इट आउट
बाकी इस पे हम फर्दर बात नहीं करते। तो माल्टा यहां पे आउटलायर नजर आ रही है, तो हम इसको उसी तरह से चलते हैं। अगला हमारा पार्ट है कि यूजिंग ऑल ऑब्जर्वेशन रन ए रिग्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑन ट्रेड शेयर, व्हाट इज द एस्टिमेटेड स्लोप, व्हाट इज द एस्टिमेटेड इंटरसेप्ट, यूज द रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट द ग्रोथ रेट फॉर ए कंट्री जिसका ट्रेड शेयर 0.5 हो एंड ट्रेड शेयर इक्वल टू 0.1। तो यहां पे आप देखिए, तो यहां पे एक चीज है कि मैंने इस मॉडल का नेम दे दिया। आज पहले दिन मैं एक यूज करने जा रहा हूं LM लीनियर मॉडल, LM लीनियर मॉडल, ग्रोथ इज रिग्रेस्ड ऑन, ये आपको टिल्डा नजर आ रहा है, ये जो आपके पास जो है वन के साथ जो कीबोर्ड पे आपके पास बटन होता है, दिस इज कॉल्ड टिल्डा। दिस मीन्स ग्रोथ इज रिग्रेस्ड ऑन ट्रेड शेयर। डेटा मेरे पास क्या है, कौन सा ग्रोथ वाला, ये ऊपर हम डेटा देख चुके हैं। अब अगर मैं इसके पेरेंथेसिस दोनों साइड पे, यहां पे भी पेरेंथेसिस लगा दूंगा, यहां पे भी पेरेंथेसिस लगा दूंगा, तो ये मुझे रिजल्ट्स भी साथ ही देगा। लेकिन अगर मैं इसको जस्ट रन कर देता हूं तो आप देखिए यहां पे मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, विच मीन्स कि आपके पास ये सारे रिजल्ट्स यहां पे ग्रोथ अंडरस्कोर एम में स्टोर हो गए हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे प्रिंसेस एक एक लगा दूं तो ये रिजल्ट मेरे पास डिस्प्ले भी हो गए हैं कि ये मेरे पास इंटरसेप्ट ये है और ट्रेड शेयर ये है। एक मैंने मॉडर्न डाइव ऊपर लाइब्रेरी ली थी, उसमें रिजल्ट्स को जब हम शो करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह नजर आते हैं। तो ये देखिए, तो ये आपके पास एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर स्टैटिस्टिक्स पी वैल्यू लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अगर ट्रेड शेयर 0.5 हो तो ये वाला आ जाएगा, अगर ट्रेड शेयर 0.1 हो तो ये आपके पास रिजल्ट आ गए। देन हम देखते हैं कि अगर हम माल्टा को एक्सक्लूड कर दें तो फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या हमारा ये ट्रेड शेयर चेंज होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है समझने की। और इस बात को मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी एक्सेल की वीडियोस में भी कि ओएलएस इज वेरी सेंसिटिव, ऑर्डिनरी ली स्क्वायर यहां पे यूज हो रही है, ऑर्डिनरी ली स्क्वायर इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। लेट्स गो एंड एक्सक्लूड माल्टा। तो आपको गैप माइंडेड डेटा वाली अगर वीडियोज रिकॉल करें तो आपके सामने है कि ग्रोथ पाइप ऑपरेटर फिल्टर कंट्री नेम नॉट इक्वल टू माल्टा, इट मींस विदाउट माल्टा पे माल्टा को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आप जरा इसको एक सेकंड के लिए जहन में रखें इस ग्राफ को, देन अब आप नए ग्राफ को देखिएगा। तो अब आप देखें तो यहां पे पिक्चर जो है वो चेंज हो गई है, अब आपका जो स्लोप है वो शायद थोड़ा सा स्लाइटली लेस स्टीप हो गया है, अगर आप विजुअली इस पे को फिट कर रहे हैं। हम देख लेते हैं कि स्लोप ऊपर वाले केस में 2.31 आया है, इस केस में क्या आ रहा है। तो यहां पे आप देखिए तो स्लोप मेरे पास 1.68 आया। तो ये देखिए, दिस मेक्स अ मेजर डिफरेंस, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन जो है वो 2.31 से उसने उसको डाउनवर्ड पुल कर दिया है अप टू 1.68। तो इसलिए डेटा का प्लॉट जो है वो बहुत जरूरी है फॉर गेटिंग डीप इनसाइट। अनफॉर्चुनेटली हम मॉडल्स पे जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं और डेटा की कुछ जो है वो जो बेसिक्स हैं उसको हम एक्सप्लोर नहीं करते। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है वो की है। अब इस वक्त मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज, आपको पार्ट फोर है, पार्ट ई है कि जी प्लॉट्स बनाए इंक्लूडिंग माल्टा एक्सक्लूडिंग माल्टा एंड कंपेयर योर रिजल्ट्स। तो मैंने वही काम किया, जस्ट एक प्लॉट वन में स्टोर कर दिया इंक्लूडिंग माल्टा, प्लॉट टू में स्टोर कर दिया एक्सक्लूडिंग माल्टा। मैं यहां पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा क्योंकि इस बात को हमने बार बार किया हुआ है। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा अच्छा पिछले प्लॉट में क्या था। अब मैं यहां पे ये देखिए, इसको मैंने जब जूम कर रहा हूं तो ये मेरे पास जो है वो दो प्लॉट्स नजर आ गए, एक विद माल्टा और एक विदाउट माल्टा। अब थोड़ा सा अगर आप इसको सुनना चाहें तो देखिए हुआ क्या कि असल में रिग्रेशन फिट तो ऐसे ही होनी चाहिए थी, लेकिन जब ये फिट इसको थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन तकरीबन इस फॉर्म में आती, तो इस आउटलायर से इस लाइन का गैप बहुत बढ़ जाता, तो वो गैप जो है वो रेजिजुअल होता, रेजिजुअल का स्क्वायर और ज्यादा लार्ज हो जाता। तो क्या करती है आउटलायर, ये इस लाइन को अपनी तरफ पुल करती है, इन पॉइंट से थोड़ा सा इसको दूर की तरफ ले जाती है और अपने इस पॉइंट के ज्यादा करीब लाती है,
सो दैट ओवर्स ऑल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल जो है वो मिनिमाइज हो जाए. जब हम आउटलायर को एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो ये वाले रिजल्ट आ जाते हैं. तो इन जनरल इफ देर आर आउटलायर्स तो यू शुड यूज लीस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड. लेकिन उसका टाइम यहां पे नहीं है इसलिए उसकी बात मैं नहीं कर रहा. तो यू कैन सी विद आउटलायर एंड विद आउट आउटलायर रिजल्ट्स में काफी डिफरेंस आ सकता है अगर आप देखें तो. और इसके बाद आपकी वो कहता है कि वाई इज वेर इज माल्टा. तो आप मैप पे देखिएगा माल्टा कहां पे है और माल्टा का ट्रेड शेयर क्यों इतना लार्ज है. तो नेचुरली वो एक छोटा सा आइलैंड है. जितनी भी ट्रेड जो है वो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज होती है तो उसकी जो है वो शायद जो उसका उसको माल्टा के थ्रू पास होके जाना पड़ता है. तो इस वजह से माल्टा की कंप्लीट डिपेंडेंस जो है वो शायद ट्रेड पे है. वी कैन एक्सक्लूड इट बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड और इससे हमारे बाकी कंट्रीज के रिजल्ट्स पे फर्क नहीं पड़ता. बट आउटलायर को एक्सक्लूड करना विदाउट एनी रीजन इज अ मेजर अ बिग इश्यू. जैसे स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाए तो हम कहें कि उस क्रैश को हम इग्नोर कर रहे हैं. तो इस पे जो है आउटलायर अगर स्वाइट टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है तो आउटलायर्स को एड्रेस करने के प्रोसीजर्स होते हैं. वील डिस्कस एट सम अदर स्टेज. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप इन रिजल्ट्स को रेप्लीकेट कीजिए. ग्रोथ डेटा मैंने पहले ही अपनी आपको लिंक दिया हुआ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे जाऊंगा जहां मैं ये एक्सप्लेन करूंगा होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.